गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 14, 15, 16 वर्ष का कोई बच्चा अगर किसी अपराध को कारित करता है, यानी किसी घटना को अंजाम देता है, तो उस कंडीशन में उसकी कार्रवाई पुलिस किस प्रकार करेगी और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट जो है उसकी कार्रवाई किस तरह से करेगी और उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, लोअर कोर्ट में चलेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा, या फिर उस पर किस तरह का क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारी बातों को हम लोग एक छोटे से क्लिप में जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात है कि बच्चा हो या बड़ा हो, बालिग हो या नाबालिग हो, सबके लिए कानून तो है। तो अगर किसी नाबालिग के द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तो सबसे पहली बात है कि ये मामला जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास चले जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है? किशोर न्यायालय है और इसमें जो अंडर एज होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, उसका जो भी ट्रायल चलता है या फिर उससे संबंधित जितने भी केस होते हैं उस पर, वो जो है आपको जुवेनाइल जस्टिस में भेज दिया जाता है। इसका कारण ये है कि पुलिस अगर गिरफ्तार करती है बच्चा को तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एक सर्टिफिकेट लगा देते हैं उसके एज का कि ये नाबालिग है, यानी अंडर 18 है। इस स्थिति में जो है मामला चले जाता है जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास इनका एक ट्रायल चलता है और वहाँ स्वविवेक का जो है बहुत बड़ा रोल है। स्वविवेक का सेंस ये है कि वहाँ की जो स्थिति होती है, वहाँ इस तरह का कोई जो है स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जाता है कि बच्चा को लगे कि हम किसी बृहत काम को अंजाम दे के आए हैं और हमारे इर्द गिर्द पुलिस है या फिर जो है न्यायालय। वहाँ एक सिंपल नेचुरल वातावरण तैयार किया जाता है ताकि बच्चा को उस तरह के माहौल में ढलने से रोका जा सके। दूसरी बात है, जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं लगभग सभी क्या होते हैं, सिविल ड्रेस में होते हैं, नॉर्मली जो होता है वो होता है। तो वहाँ जो है जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिकारी होते हैं, जो जज साहब होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा स्वविवेक से ये देखा जाता है कि ये मामला किस तरह का है और उनका संपूर्ण हिस्ट्री को जो है खंगाला जाता है। हिस्ट्री खंगालने के बाद इस स्थिति पे पहुंचा जाता है कि अब इनका क्या करना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा नाबालिग होते हुए भी वो मेजर जो है एक्ट करता है, यानी मेजर किसी घटना को अंजाम देता है, उस स्थिति में उसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट में भेज दिया जाता है और सेशन कोर्ट जो है अपने स्वविवेक पर फिर उसका निर्णय सुनाती है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सबसे पहला सेंस ये होता है कि बच्चा को जो है उस क्षेत्र में जाने से रोकना है और उनका जहाँ तक हो सके प्रोटेक्शन हो सके। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सबसे पहला लक्ष्य है बच्चों के लिए प्रोटेक्ट करना, बच्चों को प्रोटेक्शन देना और बच्चों को गलत वे में जाने के लिए रोकना। दूसरी बात अगर कहा जाए तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अलावा अगर सेशन कोर्ट की बात आए तो सेशन कोर्ट में जो है अब अगर कोई भी घटना अंजाम दिया जाता है, सपोज़ कीजिए ए बी सी तीन आदमी है, ए जो है नाबालिग है और बी और सी बालिग है और ये किसी घटना को अंजाम देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी पर गोली चला देता है, किसी को चाकू मार देता है, इस कंडीशन में जो भी धारा लगना है, जो भी धारा लगना है 324, 25, 26 या फिर 211 जो भी लगना है वो सारा लगेगा, पुलिस गिरफ्तार भी करेगी। लेकिन जो यो अंडर एज है, जो नाबालिग है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया जाएगा और मामला इस तरह से चलेगा। दूसरी बात एक और कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब आप सर्टिफिकेट लगाते हैं और ये प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में ये चीज़ देखा जाता है कि उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री के तहत इसलिए देखा जाता है कि क्या ये पेशेवर मतलब जो है इस तरह का काम करता है या फिर इनका इंटेंशन क्या था। दोस्तों, सबसे पहली बात है किसी भी अपराध के घटित होने या फिर किसी भी अपराध का रिजल्ट पाने के लिए उसके इंटेंशन को देखा जाता है कि अपराधी का इंटेंशन क्या था। हो सकता है कि वो बालिग के साथ नाबालिग हो और उनके बहकावे में आके वो चला गया हो, लेकिन उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, इस तरह का कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है। इस कंडीशन में जो है उनको जो है थोड़ा सा उन पर मर्सी दिखाया जाएगा। तो अपराध का जो है इंटेंशन यही डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे कि अपराध करने के पीछे उनका क्या इंटेंशन था, उसका क्या उद्देश्य था, क्या प्लानिंग था, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद स्वविवेक के आधार पर जो है इसका निर्णय सुना जाता है। अगर इसके अलावा भी कोई आपके पास सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।